एक दानव था, एक गण जिसे केशन बोलते थे, वो शिव के आसपास रहता था। एक दिन उसने शिव को एक खोपड़ी में से कुछ पीते हुए देखा। शिव के पास हमेशा इंसान की एक खोपड़ी हुआ करती थी जिसे वो खाते और पीते थे, तो वो इस खोपड़ी से कुछ पी रहे थे। केशन बोला, हे नाथ, मुझे भी प्यास लगी है, क्या मैं भी ये पी सकता हूँ? शिव बोले, ठीक है, और उसे वो खोपड़ी दे दी। केशन ने जब उसमें देखा तो ये 7 सबसे घातक विषों का कॉकटेल था। उसने शिव की ओर देखा और बोला, अगर आपने मुझे ये दिया है तो मैं इसे पीऊंगा जरूर। और वो उस घातक विषों के कॉकटेल को पी गया। उसका शरीर भयंकर रूप से विकृत होने लगा। शिव ने उसको देखा और बोले, तुम सच में एक अद्भुत जीव हो। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, विष से मुक्त किया और आशीर्वाद दिया कि कोई भी कैसा भी आयोजन करे, कोई भी उत्सव हो, लोग कुछ भी करें, उन्हें सबसे पहले तुम्हारा सम्मान करना होगा क्योंकि तुम इतने अद्भुत जीव हो। तो केशिन के सम्मान करने की ये परंपरा आज भी है। जब भी कोई बड़ा उत्सव होता है तो पहला सम्मान केशिन को दिया जाता है। मेरे आसपास के लोगों के बाल नहीं हैं, पर वो केशिन ही हैं। ये लोग बुद्धू नहीं हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास ये देखने और समझने की बुद्धि है कि उनके खुद के सोचने और करने के तरीकों ने असल में उनके लिए कुछ खास नहीं किया है, तो उन्होंने अपने आप को किसी ऐसी चीज को सौंप दिया है जो उन्हें पता है कारगर है। ये लोग बेवकूफ नहीं हैं। इनमें इतनी बुद्धि है कि वो जानते हैं उनकी खुद की सीमाएं उन्हें कहीं नहीं लेके जाएंगी, तो वो उसके परे जाना चाहते हैं। जहां कहीं भी ऐसे लोग मौजूद हों जो अपनी खुशहाली से परे सोचते हैं, तब अचानक वो जगह अद्भुत और खूबसूरत हो जाती है।